श्री न्यूज के साथ मैं हूँ रूहानी। जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिजल्ट आया था तो जम्मू के बच्चों ने जीत का परचम लहराया था। उस समय उन बच्चों से मुलाकात करने का मौका मिला क्योंकि आने वाले वक्त में वही जो है ब्यूरोक्रेसी में पार्ट लेने वाले और ब्यूरोक्रेट बनने वाले और इसी के साथ साथ नेशन को एक अच्छे रास्ते पर लेके जाने वाले। लेकिन बात की जाए यहाँ की, अगर हम कहें तो पहले तो हम रियासत जम्मू कश्मीर कहते थे, लेकिन अब जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो अब यहाँ पर केएस का जो एग्जाम है कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो काफी देर से ही जो रिजल्ट था अधर में अटका हुआ था और काफी समय से जो था बच्चों को उम्मीद थी कि हमें जो एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मेरे साथ जम्मू कश्मीर की एक बेटी हैं और उन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया है, अच्छे मार्क्स से किया और 6th रैंक इन्होंने लाया है। लेकिन सीधा सवाल है कि आप फैमिली को किस तरह से देखते हैं, फैमिली सपोर्ट किस तरह का होना चाहिए और आप मैरिड हैं, उसके बाद आपके हस्बैंड का सपोर्ट कैसा रहा? इन तमाम सवालों के साथ आज शुरुआत करते हैं और इनसे जानते हैं कि मकसद क्या था, क्योंकि बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर हैं लेकिन अचानक से इस तरह का शिफ्ट इन्होंने क्यों लिया, क्यों एक सोच आए कि मुझे नेशन के लिए कुछ करना और क्या बदलाव ये हिंदुस्तान में देखना चाहते हैं। मैम सबसे पहले मुझे बताइए मेडिकल प्रोफेशन की शुरुआत कब हुई? मेडिकल प्रोफेशन में मैंने एंट्री की थी 2067 के बैच में। आई एम डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड मेरा ये कंप्लीट हुआ था 2012 में, और 2013 में मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई थी। ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप मैंने ये प्लान बना दिया था दैट आई विल स्विच टू सिविल सर्विसेज एंड अराउंड 2013 में ही मैंने ये कोचिंग कंप्लीट भी कर दी थी ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आल्सो। बट ये मेरा 2012 के सेशन में भी मैंने अप्लाई किया था, मैंने प्री क्वालिफाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा मेंस का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था बिकॉज आई वॉज शॉर्ट ऑफ माई डिग्री। इनफैक्ट आई वॉज शॉर्ट ऑफ फाइनल स्कोर कार्ड, तो मेरी एलिजिबिलिटी वहाँ नहीं बनती थी। देन 2013 में मैंने फिर से अप्लाई किया, मैंने प्री क्लियर किया, मैंने मेंस क्लियर किया, बट आई वॉज नॉट एबल टू मेक टू फाइनल लिस्ट। एंड देन 2014 में मैंने फिर से अप्लाई किया, आई क्लियर प्री, आई क्लियर मेंस एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू मेक टू फाइनल लिस्ट। दैट वॉज डिक्लेयर्ड इन अराउंड डिसम्बर 2017। एंड देन 2016 का तब उसके साथ साथ में ही चल रहा था एंड 2016 का फिर ये सब कुछ अब फाइनली ये सक्सेसफुल हो गया। 2016 से 2019 आ गया, कितना इंतजार रहा। पहले तो आपने एग्जाम दे के अपने एक कहते कि मादे को जांचा कि मैं कितनी हिम्मत रख सकती हूँ, कितना मैं यहाँ पर फोकस कर सकती हूँ, क्योंकि डीफोकस हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर आप एक चीज से हारते हैं तो आप सोचते हैं कि जिंदगी खत्म है, अब लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। लेकिन यहाँ पर आपने फोकस किया, लेकिन इस बार तो आपके साथ किस्मत ने साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर रिजल्ट का वहाँ पर हो गया। हाँ, ये ज़रूर चीज़ है कि 2016 से ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी रही 2019 तक, तो ये हमारी पेशेंस का चेक भी था। बट ये था कि अब लाइक ये जो हमारा रिजल्ट था प्री का हुआ 2016 में हुआ, देन अगेन हमारा मेंस 2018 में हुआ, तो उसमें भी एक स्पैन था, तो इसमें स्पैन में प्रॉब्लम हो जाती है, हम कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाते हैं, हमारी परसिस्टेंस और हमारी कंसिस्टेंसी लूज हो जाती है। बट इस एग्ज़ाम में आपको परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तो ये मुझे मेंटेन रखना पड़ा टिल माई इंटरव्यू जो 2019 अप्रैल में कंडक्ट हुआ। तो ये मेरी लॉन्ग जर्नी थी, बट ये था कि बूस्ट अपनी परसिस्टेंट और अपनी कंसिस्टेंसी ये मेंटेन रखनी ही पड़ी मुझे, बिकॉज इसका बीइंग अ मैरिड वुमन कितना डिफिकल्ट रहा, घर भी देख रहे हो, डेंटिस्ट भी हो, हस्बैंड भी हैं और पूरी फैमिली है इन लॉज में, कितना डिफिकल्ट? ये डिफ़िकल्ट नहीं था बिकॉज जितना मुझे लगता है कि अगर मैं 100% मैरिज से पहले बूस्टेड थी तो 101% मैरिज के बाद भी बूस्टेड रही। तो मैं तो ये कहूँगी कि वजह से ये तो एक मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे लिए सपोर्टिंग फैक्टर रहे और उन्होंने मुझे अगेन आई टेल कि ये परसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी उनकी वजह से बहुत मेंटेन रही, बिकॉज ऐसा बहुत बार होता था बिकॉज इस एग्ज़ाम में आपको नेगेटिविटी बहुत आती है बिकॉज इतना लंबा रहता है एंड एक तो है कि इसमें आप ये सर्टन नहीं होते हो कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं कॉन्फिडेंस लूज कर जाती थी और इस एग्जाम में ऐसे कि इफ यू लूज योर कॉन्फिडेंस पिलर इन माय सक्सेस। लेकिन जब आप अनमैरिड थे तो उस समय कभी सोचा था, बचपन से सपना था सिविल सर्विसेज का, या आप सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा प्रोफेशन करूं जहां से नेशन को सर्व? नहीं, मेरा बचपन का ये सपना नहीं था, ये मैंने स्विच किया है। इट वाज अराउंड 2011-12 मैंने ये माइंड बना लिया था बिकॉज व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय डेंटिस्ट्री फील्ड, सो माय थर्स्ट वाज नॉट सेशिएटेड एंड इट वाज लाइक कि मुझे ये था कि जो मैं करना चाहती हूँ वो इससे नहीं हो पाएगा। ऑल्दो बीडीएस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये स्विच किया तो वो गलत प्रोफेशन था, इट वॉज जस्ट लाइक इट वॉज नॉट अप टू माई सेटिस्फेक्शन। मैं एक डाइवर्सिटी को सर्व करना चाहती थी, एक लार्ज स्केल पर सर्व करना चाहती थी एंड इट इज पॉसिबल to civil services. So I was in like in a search mode, what should I do to do more? So I think this is a platform for students like me. और ये platform हमें देता है कि हम लोग serve कर सकें in a better way and in a more biggest and in a very bigger platform.
वी कैन सॉल्व. सवाल पूछूंगी, IAS का एग्जाम होता है, कहते मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है हिंदुस्तान का, लेकिन जम्मू कश्मीर पहले रियासत या यूनियन टेरिटरी करूँ, यहाँ का ये जो KAS का एग्जाम था, हालांकि उस समय तो रियासत ही थी, तो ये कहते कि यहाँ का टफेस्ट है, लेकिन आगे आप सोच रही हैं कि कहीं ना कहीं आपको IAS की तरफ जाना चाहिए? हाँ, पहले तो नहीं सोच रही थी, बिकॉज ऑनेस्टली बिकॉज ये 2016 से इतना ज़्यादा एलैबोरेटेड मैथड रहा, तो काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था. बट अब लाइक जैसे रिजल्ट आ गया है और 6th रैंक मेरे लिए सच में एक सेटिस्फैक्ट्री अगेन एक बूस्टिंग रैंक है, तो आई एम थिंकिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेडर, दैट इज़ IAS. एंड डेफिनेटली अगर इस तरह से मुझे रहा कि मैं बूस्ट रहूँगी, बिकॉज ये एग्ज़ाम पैशन पे बहुत बेस्ड रहता है, तो या श्योर डेफिनेटली. एक तो दौर था एग्जाम का, एज अ स्टूडेंट एज अ कैंडिडेट आप वहाँ पर जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, आप एग्जाम देते हैं, वहाँ पर आप टिक मार्क करते हैं, मेंस प्री सब कुछ थ्योरेटिकल होता है, लेकिन अब वो मौका है जो आपने एक सपना देखा साकार हुआ, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके एक सपने के साथ काफ़ी लोगों की उम्मीदें जुड़ी, क्योंकि अब आप ब्यूरोक्रेसी में एक पार्ट लेने वाले? हाँ डेफिनेटली उम्मीदें तो हैं, बिकॉज अब मैं एक स्टूडेंट लाइफ से एक प्रोफेशनल लाइफ में जाऊंगी, तो अब ऑब्वियसली अभी तक स्टूडेंट फेज में मेरी सिर्फ फैमिली और मेरे अपने ही कंसर्न थे, बट अब आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और मुझ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे अच्छे से काम भी करना है और मुझे चीज़ों को अच्छे से समझना भी है, बिकॉज इट्स लाइक नाउ आई हैव टू वर्क ऑन 360 डिग्री एंगल, इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट कन्फाइंड टू माई एग्जाम्स ऑल्सो. शाह फैजल नाम तो आप जानते हैं, हालांकि अभी राजनीतिक नाम है, लेकिन एक समय था वो टॉप पर रहे कश्मीर से IAS में, उन्होंने राजनीति का दामन थामा, तो आपको एक सवाल करूंगी कि कुछ चेंजेस आप चाहती हैं एज अ ब्यूरोक्रेट अपने नेशन में लाने के लिए, कि हाँ ये चीजें बदलाव, अगर मैं एक जगह पर पहुंचू एक पोजीशन ली है तो कुछ ना कुछ मैं बदलाव अपने स्टेट में या फिर अपने नेशन में कुछ ना कुछ ला सकूं? बदलाव तो आई कैन से, बट मैं ये चीज कह सकती हूँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो भी जितने भी प्लान सेंटर और स्टेट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, हमारा ये एक हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे प्रॉपर इंप्लीमेंट करें, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें, बिकॉज वी आर ब्यूरोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स का काम है टू प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज विच द गवर्नमेंट हैज मेड फॉर द पीपल, तो हमें ये सारी सर्विसेज विद 100% एफिकेसी एंड एफिशिएंसी के साथ पहुंचानी चाहिए. चलिए थैंक यू. साफ तौर पर अब इनके हस्बैंड जो हैं, मैं बताऊं तो वो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन हाँ डॉक्टर ये भी हैं और वो भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेशन के लिए जब एक जिम्मेदारी एक सिटीजन को आती है, एक नागरिक को आती है, वो सोचता है कि चले हम तो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपने देश के लिए कुछ करेंगे तो क्या इसमें बुरा क्या है, क्योंकि जिम्मेदारी अगर सब समझेंगे तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम तो एग्जाम रहता है, लेकिन उसके बाद का एक दौर ही वो अलग होता है. तो यही कोशिश की आपको बताने की, क्योंकि जहां तक लोग जानते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बिहाइंड द कर्टन होते हैं, अगर एक पॉलिटिशियन है उसके पीछे एक ब्यूरोक्रेट की मेहनत है, उसकी सोच है, उसकी पॉलिसी मेकिंग है, देन जाकर एक पॉलिटिशियन को लोग कहते हैं कि हाँ ये अच्छा पॉलिटिशियन है क्योंकि इसने अच्छी पॉलिसीज लाई, लेकिन कोई ये नहीं जानता उसके पीछे की जो सोच होती है वो एक सिविल सर्विसेज के जो सर्वेंट होता है या फिर मैं कहूँ एक ब्यूरोक्रेट की होती है. इसी के साथ कैमरन गगनदीप सिंह के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ. नमस्कार.